आप आज शाम की ट्रेन से लाहौर के बाद हिंदुस्तान निकल जाइए। तंग किया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है। तो दोस्तों, गदर टू के ट्रेलर को लेकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। कुछ ही देर में रिलीज होगा गदर टू का ट्रेलर। सनी देओल संग इस बड़े मौके पर शामिल नहीं होंगी अमीषा पटेल। 22 साल बाद दर्शकों को तारा सिंह और सकीना की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए सभी काफी एक्साइटेड हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की बहुत चर्चित फिल्म गदर 2 का ट्रेलर 26 जुलाई यानी कि आज लॉन्च होने वाला है। फैंस अपना दिल थाम कर बैठे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि तारा सिंह का किरदार करने वाले सनी देओल इस बिग इवेंट का हिस्सा होंगे, लेकिन वहीं अमीषा पटेल इस मौके पर नजर नहीं आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिमरत कौर को लेकर खड़ी हुए विवाद के कारण अमीषा पटेल ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बनने से कतरा रही हैं। पहले गदर 2 का ट्रेलर 25 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से टाला गया। बताया जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च मुंबई में बहुत ग्रैंड तरीके से होने वाला है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि अमीषा पटेल इस मौके पर मौजूद रहेंगी या नहीं। आपको बता दें कि सिमरत ने गदर 2 से पहले कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें उन्होंने कई बोल्ड सीन भी दिए हैं। गदर 2 में सिमरत के होने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए, जिसके कारण वे काफ़ी ट्रोल हो रही थी। अमीषा पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन्हें रीशेयर करते हुए सफाई पेश की थी, जिसके बाद अमीषा को भी लोगों ने बुरी तरह ट्रोल किया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमीषा विवादित सवालों और उनके जवाब देने से बचने के लिए इस इवेंट में आने से इनकार कर रही हैं। मेकर्स ट्रेलर लॉन्च में सिमरत के सीन नहीं दिखाएंगे। हालांकि दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने फैसला किया है कि ट्रेलर लॉन्च के वक्त सिमरत का एक छोटा सा शॉट दिखाने का फैसला लिया, जिससे विवाद को बढ़ावा ना मिले। मेकर्स की माने तो इस मौके पर सिमरत का विवादों से दूर रहना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये फैसला लिया है। वैसे दोस्तों, गदर 2 के ट्रेलर के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई अपडेट के साथ।